हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। आज मैं बनाऊंगी दाल बर्फी। एक बहुत ही इजी और डिलीशियस स्वीट आइटम है और इसे बनाने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी चने की दाल ली है और चने की दाल को 4 से 5 घंटे पहले हमें सोक करना है। और लेनी है आधे कटोरी चीनी और लेनी है 3 से 4 इलायची, काजू एंड किशमिश, और इसको मैंने चॉप कर लिए है। और अब बारी आती है घी की। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम घी ली है और फूड कलर, 1 पिंच ऑफ फूड कलर अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मत डालिए। तो अब हमें क्या करनी है, अब हमें दाल को अच्छे से बॉईल करनी है और फिर उसके अच्छे से पेस्ट बनानी है। अब एक पैन में हमें घी डाल देनी है और घी के ऊपर इलायची के टुकड़े भी हमें डालनी है, और अगर आपके पास कलर है तो फिर आप कलर ऐड कीजिए। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, और अब ऐड करनी है दाल और इसको अच्छे से मिक्स करनी है लो फ्लेम पे। और अब इसको हमें 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकानी है। और अब ऐड करनी है शुगर, और शुगर ऐड करने के बाद इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पकानी है, वो भी लो फ्लेम पे। और अब 20 से 25 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए और चीनी पूरी तरह से गल जाए तो हमें क्या करनी है, हमें एक प्लेट के ऊपर इसको डालनी है और डालने से पहले प्लेट में अच्छे से घी स्प्रेड करनी है, या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको रखनी है फ्रिज में एटलीस्ट 30 मिनट। 30 मिनट बाद इसको बाहर निकाल के अपनी पसंद की शेप देनी है। सो रेडी हो गया हमारा चना दाल बर्फी। आप भी ज़रूर ट्राई करना घर पे और कमेंट पे ज़रूर बताना कैसी बनी है।